हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? और यहाँ पे हमारा हो रहा है लंच, और मैंने लंच में बनाया था करेले की सब्ज़ी और उसके साथ पूड़ियाँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने अभी से ही कह रही है, टिनटिन एंजल के प्लेट में बैठ के करेले खा रही है। वही हम देख लेते, करेले तो इतने कड़वे होते हैं लेकिन ये बहुत मन से खा रही है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बच्चा सब कुछ खाना चाहिए। और वैसे भी इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ खिलाती हूँ, तो करेले तो खैर कोई नहीं खाता है, लेकिन ये करेले खा रही है। तो बस सुबह से ब्लॉग ने स्टार्ट किया था, मैंने सोचा चलो अब लंच से ही स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आजकल आप नोटिस कर रहे होंगे, आजकल मैं कॉम वगैरह कर लेती हूँ और लिपस्टिक वगैरह लगा के फिर तैयार होकर ब्लॉग बनाती हूँ। तैयार क्या होना है, बस लिपस्टिक लगाती हूँ और काजल लगाती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि ऐसे मतलब ब्लॉग का मतलब क्या होता है, ब्लॉग का मतलब ये होता है कि आप नेचुरल चीज़ें दिखाइए। तो और टेंट एंजल मुझे बोलने लगी थी, आप हमेशा गाउन ही पहनी रहती हो। मैं कहा बेटा कंडीशन ऐसी है कि गाउन पहनना पड़ता है। तो अभी भी मैंने वो जो लाई थी ना, मैं 3-4 गाउन आपको दिखाया था ना ब्लॉग में, वही मैंने निकाल के आज पहना है। क्योंकि ना प्रेस वाले अंकल नहीं आ रहे थे बहुत दिनों से, तो आज वो भी आ गए। और मेरे प्रेस के कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, मैं प्रेस कर नहीं पा रही थी। इनके धो करके दे देती थी मॉर्निंग का, एक आज जो पहनने वाला उनका होता था वो कर लेती थी, बाकी मैं प्रेस नहीं करती थी। तो वो भी सुबह मॉर्निंग में आज देख गए, तो मैंने सारे कपड़े प्रेस करवा के दिखा अलमीरा में लगा दिए। ओच, ये हस्बैंड की अलमीरा, ये हस्बैंड के सारे शर्टें वगैरह, ये सारी शर्टें और इनकी सारी जीन्स वगैरह सब प्रेस करवा के, इधर सब प्रेस करवा के इनके कपड़े लगा दिए मैंने। और नीचे अपनी सारी कुर्तियाँ वगैरह, ये सारी कुर्तियाँ अपनी लाइन से ये सारी प्रेस करवा के लगवा, इन्हें नहीं कराया है प्रेस, क्योंकि ये पटियाला सूट वगैरह अभी जो मुझे आएंगे नहीं, तो उनकी अभी ज़रूरत है नहीं प्रेस की। तो ये सारे मैंने जो पहनने वाले हैं वो सारे मैंने प्रेस करके इसमें लगा दिया। तो क्या होता है ना, जब जब कपड़े प्रेस हो जाते हैं ना, तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है हाँ कितना अच्छा लग रहा है। और ये मिरर मेरा गंदा हो गया, इसे मैं साफ़ करती हूँ। एक सेकेंड, इस पर हाथ रख रखे ना, बच्चे ऐसे ही हैं, बच्चों को तो जितना मना करो उतना ही ये ऐसे काम करते हैं। तो ये मेरा ना बहुत ही ज़्यादा, कोई है क्या, सो रही है एंजल और टिनटिन, अभी सो रही हैं, खाना वाना खिला के मैंने सुला दिया। साफ हो जाए थोड़ा सा, तो बच्चे सो रहे हैं, टिनटिन भी सो रही है, एंजल भी सो रही है, और मैं सोच रही हूँ मैं चाय बना लूँ अपने लिए। भाई क्या हो गया, चाय फंस गई, चाय बना लूँ, चाय पीने का मन कर रहा है। अब स्टार्टिंग में मेरा चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं करता था, लेकिन अब चाय पीने का मेरा बहुत ही मन करता है। तो बच्चे तो सो गए हैं, और मैंने आज लंच में देख ही लिया होगा आज मैंने क्या बनाया था। लंच में मैंने करेले और पूड़ी बनाई थी, और जब मैं पूड़ियाँ तल रही थी तो मेरी एक पूड़ी क्या हुई ना, फट गई थी। और मेरी देखिए यहाँ पे आँख चल गई, एक छींटा यहाँ पड़ा, और एक ये है, एक ये है, 3-4 छींटे पड़े। वैसे ही मैं पूड़ी तलती थी, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि सही में पूड़ियाँ कभी कभी होती है ना फट जाती है। जब आप छोटी वाली डालोगे ना, सबसे छोटी वाली स्टार्टिंग में से डालते हैं, वो ज़रूर फटती है अगर उसको आप नहीं निकालोगे। मेरा मैंने मेरा साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया, जबकि मैं हर दूसरे दिन से क्लीन कर देती हूँ, फिर भी बच्चे ना, क्योंकि एक इसमें नीचे इन लोग के टॉय रखे हैं, वो टॉय निकालते रहते हैं, 10 बार अलमीरा खोलते हैं ये लोग, और बच्चे तो ऐसे ही काम करते हैं। तो आज मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, मेरी अलमीरा भी आज सही हो गई, क्योंकि मैं 10-15 दिन से करीब अंकल को ढूंढ रही थी। और बहुत ही बूढ़े से अंकल हैं, बहुत ही बूढ़े बेचारे, इस उम्र में भी कम से कम वो कुछ नहीं हो सकता, 75 साल के होंगे, इस उम्र में मेहनत करते हैं। और प्रेस अगर आपको सामने कोई आ जाए और आप प्रेस करवा लो,
और सामने प्रेस अगर आपका आराम से हो जाए, क्योंकि मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है प्रेस करना, बाकी मैं सारे काम कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे प्रेस करने को कोई कह दे तो वो मुझसे नहीं हो सकता। ठीक है, इमरजेंसी में करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम कसम खाई है कि मैं प्रेस करूँगी ही नहीं, इमरजेंसी में सब कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, कहीं जाना हुआ कपड़े प्रेस नहीं है तो बिना प्रेस के तो कपड़े कोई पहनने का नहीं, तब मैं कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे आप मुझसे सब झाड़ू पोछा भी करवा लूँ मैं कर लूँगी, खाना भी बना लूँगी जैसा भी आता है सब कर लूँगी, लेकिन प्रेस नहीं करूँगी। तो चलिए चाय बनाते हैं। चाय आज मैंने कपड़े नहीं धुले थे, कल ही धुले थे तो कल ही वाले कपड़े थे। सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है ना कि आप फटाफट फटाफट सारे काम कर लो। और इधर मैंने तोरी रखी है, आज डिनर में मैं तोरी बनाऊंगी, तो ये रही तोरी, तो तोरी बनेगी डिनर में और राइस बनेंगे इसके साथ, क्योंकि तोरी के साथ जो ग्रेवी वाली तोरी बनती है, आप लोग भी बनाते होंगे ग्रेवी वाली, एक तो सूखी तोरी बनती है, एक होती है ग्रेवी वाली, तो मैं ग्रेवी वाली ही बनाऊँगी जो हल्दी की ग्रेवी होती है, और उसके साथ राइस हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है, तो वो भी आज वही खाना बनाएंगे। लाओ इसे भी, क्लीन सो रहे हैं बच्चे, तो क्योंकि बच्चे हैं ना गंदगी, तो ये देखिए ये टिनटिन ने ना इस पर ऐसा कलर लगाया परमानेंट जो छूट ही नहीं रहा है, सब कुछ करके देख लिया, कॉलिन वगैरह सारा कुछ लगा लिया पर ये छूटा ही नहीं, और धूल मिट्टी तो रोज़ इतनी आती है, सुबह झाड़ू पोछा हो चुका है लेकिन ये देखिए धूल मिट्टी तो आती ही आती है। क्लीन कर लेते हैं, अच्छे सो रहे हैं। कभी कभी बच्चे सो जाते हैं ना तो लगता है इतनी शांति है, इतनी शांति है, और अपना सारा काम आराम से हो जाता है। फिर कभी कभी मतलब ऐसा नहीं, बच्चों से घर में चहल पहल भी बच्चों से ही होती है, लेकिन हद से ज़्यादा चहल, वहाँ पर दोनों इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं, आज सुबह से बहुत लड़ाई हो रही थी बहुत ही ज़्यादा दोनों में, और टिनटिन टिनटिन एंजल इतना इतना दोनों लड़े, दोनों की एज में बहुत फ़र्क है लेकिन बहुत लड़ते हैं। इस चक्कर में आज सही बताऊँ एंजल पिट भी गई मुझसे, दो तीन चांटे उसको आज रसीद हो गए, और मैं चाहती नहीं हूँ बच्चों को मारना, लेकिन और कम से कम 5-6 महीने बाद थप्पड़ खाया होगा एंजल, क्योंकि लड़ाई इतनी ज़्यादा हो रही थी दोनों में, इतनी ज़्यादा हो रही थी, उसके उसने कलर निकाल लिए थे अलमीरा में से, मैंने पहले बताया था अगर वो कलर देख लेती है तो वो उसे छोड़ती नहीं है, कलर के पीछे पड़ जाती है बहुत बुरी तरह, तो कलर ये देखिए कलर का क्या हाल किया है मैडम ने, और उसके नए कलर थे जो उसने निकाल लिए, जो देने का नाम बाप को कलर ही कलर चला के गई है मैडम, ये ऐसे ऐसे तो कारनामे होते हैं इनके, चारों तरफ कलर है। चलिए चाय पीते हैं, चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, फिर बातें करते हैं। मैं यहाँ पे अपनी चाय पी रही हूँ शाम की, चाय और उसके साथ बिस्किट, एक मिनट आ रही हूँ। कौन आया? हाँ आंटी। तो मैं रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ, यहाँ मैंने तोरी काट ली है इसे गोल गोल, और ये प्याज 2 बड़े काटे हैं, बस सिंपल तरीके से ही बनेगी तोरी, तो सोच रही हूँ जल्दी से सब्जी बना के रख दूँ, फिर मैं भी फ्री हो जाऊँगी, फिर शाम की पूजा वूजा करूँगी। तो मेरा डिनर रेडी हो गया है भाई, तोरी की सब्जी, बस राइस चढ़ाने हैं, तो गर्म गर्म जब खाएंगी तभी चढ़ा देंगे, हस्बैंड आ गए हैं, मैं किचन में चाय बना रही हूँ, और इधर टिनटिन भाई अपना स्नैक्स वगैरह देख रही हैं जो खाती हैं, तो ये क्या करती हैं पूरे घर को अच्छे से फैला लेती हैं, फिर उसके बाद करती हैं, रात में पूरे दिन घर से ही रहता है, रात तक इतना फैल जाता है कि सुबह उसे समेटते रहो, कभी कभी तो मैं रात में ही समेट लेती हूँ, सुबह इतना टाइम रहता नहीं है। और ये अपने पिताजी को बता रही हैं, अपने डैडी को, मुझे ये खाना है, खाना कुछ नहीं है वैसे इन्हें, लेकिन बोल्ड करती हैं ऐसे हैं जैसे कितना खाएंगी, लेकिन कुछ भी नहीं खाती हैं। तो ये एक पैकेट लेकर आई, उसमें से जो उनको पैकेट पसंद आया कि उसे खोल के और मुझे दे दो, तो ये बाउल लेकर आई हैं कि ये खाएंगी, मुझे चलो ठीक है, अब तो मैं इसे खाना खिलाती हूँ जबरदस्ती, तो
थोड़ा थोड़ा करके कि सारी चीज़ें खाओ। और यहाँ हम लोग चाय पी रहे थे बैठ के, चाय पीने के बाद ही मैं कोई काम करती हूँ, और उसके बाद ये टिनटिन खेल रही थी, और ये जल्दी सोती नहीं है रात में, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ही ज़्यादा। रात में कभी कभी तो ढाई ढाई तीन तीन बजे तक जगी रहती है, और उसके बाद बच जाती है हमारी बहन। और इधर फिर से हमने चाय रख दी, चाय मेरे यहाँ बहुत बनती है रात में, अगर हम लोग दो ढाई बजे तक जगे रहते हैं समझिए तीन चार बार तो चाय हमारी बनी जाती है। तो ये चाय फिर खाना वाना खा के मुझसे कह रहे थे कि चलो एक कप चाय और बना दो, तो मैं इनके लिए ही चाय बना रही थी, क्योंकि ये भी चाय, मैंने तो खैर अभी कम चाय पीती हूँ। और चलिए इस ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर देते हैं, कल फिर नए रूटीन के साथ मिलते हैं।